ईश्वर, अब मेरा पुत्र ध्रुव कुमार अब बड़ा हो चुका है, ना जाने जिस दिन से होशियार हुआ है, कभी उस जंगल कभी उस जंगल फल फूल ढूंढने में रहता है, ना तो अपने झोपड़ी में एक पल भी नहीं रहता है, जब तक कि मैं अपने लाल को एक नजर नहीं देख लेती, जब तक कि मैं अपने लाल को एक नजर नहीं देखती हूँ, तब तक मैं मुझे इस झोपड़ी में मन नहीं लगता है। मैं यही सोचती हूँ इसमें मेरा पुत्र कहाँ गया है, ना जाने किस हालत में होगा। हे प्रभु, मैं इसमें मैं अपना पुत्र को आवाज लगाती हूँ, देखती हूँ मेरा पुत्र इसमें कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हालत में है। जैसे ही मेरा आवाज मेरा पुत्र के कानों तक जाएगा, मेरा पुत्र अवश्य मेरे पास आएगा। इसमें मैं आवाज लगाती हूँ, पुत्र ध्रुव कहो मेरे लाल, आओ, तुम्हारी माँ इस वक्त बेशबरी से झोपड़ी में बैठ कर के इंतजार कर रही है, आओ मेरे लाल। पुत्र ध्रुव कहो मेरे लाल, आओ, क्योंकि मास्टर जी नहीं है। पुत्र ध्रुव आओ मेरे लाल, कहाँ हो, मेरे पास आओ। हेलो, पुत्र ध्रुव आ जाने कहाँ पढ़ाई लिखी हाँ, ना जाने कहाँ
जानी बागी बगीचा सहरिया में खोजनी बागी बगीचा सहरिया आज तुम अकेली रो रही हो और तुम्हारी रोने की आवाज जब मुझे कानों में सुनाई पड़ा मैं तो जंगल से दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आ गया। माँ हाँ पुत्र आज तुम्हारी आंचल खाली देख रहा हूं क्या मेरे लिए भिक्षा मांग करके भोजन नहीं लाई हो क्या? पुत्र ध्रुव आज मैं नगर बस्ती कहीं नहीं गई हूँ भिक्षा मांगने के लिए।